हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, किचन के अंदर अभी खड़ा हूँ क्योंकि मम्मी ने आज बहुत टाइम के बाद बनाई है सब्जी। अरे ये तो कुछ हो रही है, ये रही ग्रीन वेजिटेबल, तो आज मज़ा आ गया यार, मेरा तो ना मन खुश हो गया। पहले तो ना रोज़ आके ना सुबह परांठे, रोज़ परांठे, कभी प्याज का, कभी आलू का, कभी गोभी का, कभी कुछ कभी कुछ, तो आज ना फाइनली फुलके के साथ खाने वाला हूँ दही एंड वेजिटेबल्स, तो मज़ा आ जाएगा आज। तो गाइस, अभी अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं और आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। पहले ये खाना ज़रूरी है क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है यार, पेट में चूहे नाच रहे हैं। यहाँ पे जोगिंदर बन गया तुम्हारा भाई। फिलहाल गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी चलते हैं अपनी दुकान पे और देखते हैं आज क्या करना है। अगर थोड़ा बहुत सामान लेके आना होगा तो मार्केट से वो लेके आएंगे और चलेंगे वहाँ पे। मम्मी तो चली गई है, तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत वीडियोस देख लेता हूँ क्योंकि दो चार वीडियोस भी बनानी है, तो वो बना के फिर मार्केट चलेंगे या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे। तो गाइस, सामान वगैरह लिख लिया पर्ची के ऊपर और अभी जाने वाला हूँ मैं मार्केट। देन उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। मुझे लगता है मार्केट जाता जाता मैं कहीं और ही पहुँच जाऊँगा। तो फाइनली गाइस, भाई तुम्हारा हो गया रेडी मार्केट जाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हेलमेट क्यों डाला है भाई, पास में तो जाना है, बट मुझे लगता नहीं है मैं पास में जाऊँगा। और मोटो ब्लॉगिंग करने का बहुत ही मन कर रहा है आज, एंड राइड करते हैं, थोड़ी सी लंबी राइड करने वाला हूँ, तो आपको रास्ते में दिखाता जाऊँगा थोड़ा बहुत। फिलहाल का इस घर से निकल चुका हूँ, वैसे करते हैं अभी यहाँ पे रुक के ना एक बार फ्यूल चेक कर लेते हैं कितना पेट्रोल है बाइक के अंदर, दैन उसके बाद लॉन्ग राइड पर जाना है तो भाई ज़रूरी है ये चीज़ें चेक कर। आज ना किस्मत अच्छी थी कि फाटक खुला था, नहीं तो लेट हो जाता। तो चलिए चलते हैं और काफ़ी लंबी राइड होने वाली है, कम से कम मेरे ख्याल से 15 मिनट होगी, तो मैं स्किप कर देता हूँ राइड, सीधा आपको मिलता हूँ जहाँ पे मुझे पहुँचना है। भाई ये कहाँ पे पहुँच गए हम, गैस करो कौन सा प्लेस है यार। तो गैस हम लोग पहुँच गए हैं जन्नत में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गैस द प्लेस। यार ये जो फ्लावर्स हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगे। वेरा गाइस, यहाँ पे तो मैंने थोड़ा बहुत घूम लिया, तो अभी चलते हैं घर क्योंकि टाइम बहुत कम है, मार्केट से सामान भी लेना है, तो राइड बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, लगभग मेरा एक घंटा बर्बाद हो गया। फिलहाल गाइस सारा सामान ले लिया, तो अभी चलते हैं घर, रोड क्रॉस कर लेते हैं यार ध्यान से। अरे ये भाई क्या कर रहा था, इंडिकेटर की जगह अपना हाथ दे रहा है गाड़ी वाले को, अगर वो ठोक देता ना तो भाई मुश्किल। तो गाइस घर पहुँच गए और अभी जल्दी से चेंज कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मेरी हालत देखो, माथे के ऊपर ना पसीना आ रहा है, तो जल्दी से चेंज करते हैं, देन उसके बाद चलते हैं शॉप पे, थोड़ा बहुत काम करते हैं वहाँ पे जाके। अरे मेरी निक्कर कहाँ गुम हो गई, निक्कर ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे तो है नहीं यार, पता नहीं क्या क्या है। जी सर, मेरी मम्मी के कपड़े हैं, यहाँ पे तो है नहीं यार, इसमें भी ये नहीं मिल गई। तो भाई चेंज हो चुका है, बहुत ज़ोर से बाथरूम लगा है, निकलते हैं जल्दी से। गाइस अभी ना हल्का होकर ना अलग टाइप की ही वाइब्स आ रही है। गाइस वीडियो देख देख के ना मैं तो बोर हो चुका हूँ, और अभी पानी का एक गिलास पी लेते हैं, काफ़ी थर्स्टी हूँ यार क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो पानी की जो क्वांटिटी है वो अभी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो भाई डिहाइड्रेट हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए तो बाद में बोलते हो भाई चक्कर आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा अगर डिहाइड्रेट हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि पानी पियो। और मम्मी यहाँ पर लगे हुए हैं फ्लावर्स को पानी देने के लिए। गाइस दोपहर के 3:30-4 बज चुके हैं और दोपहर का अभी तक लंच नहीं किया, तो मम्मी बना रही है नमकीन चावल और उसके अंदर डाले गए वेजिटेबल्स, तो वो खाएंगे आज दोपहर के लंच के अंदर। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं नमकीन चावल विद दही, डिलीशियस। गाइस लंच किए हुए आधा घंटा हो गया, तो अभी चलते हैं छत के ऊपर दूसरे चैनल की वीडियो शूट करने के लिए। फिलहाल गाइस अपनी होम जिम के अंदर पहुंच गया हूं, तो वीडियो शूट करके ना आपसे बात करते हैं। तो गाइस वीडियो शूट हो चुकी है और मैंने फिश ऑयल का प्रमोशन भी किया है, अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं क्योंकि प्रमोशन करना जरूरी है भाई, अगर स्पॉन्सरशिप आई है तो। न्यूट्रो वैली का है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सप्लीमेंट होता है, तो भाई इसको खरीद लो, डेली डाइट के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, एंड आपके टीथ, आई साइट, स्किन कलर, आपकी हार्ट हेल्थ, ब्रेन की ग्रोथ डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो प्लीज़ इसको जाके बाय कर लें, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी को भूलने की बीमारी है ना,
तो भाई कसम से बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है, आप लोग ट्राई करके देखना। आई एम श्योर कोई भी चीज़ कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, इतना ख़तरनाक सप्लीमेंट है ये। तो गाइस सारी की सारी फाइल्स मैंने ट्रांसफ़र कर लिया अपने मोबाइल के अंदर, तो अभी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि 10-15 मिनट के बाद मुझे जाना है ऊपर वर्कआउट करने के लिए, तो उससे पहले चाय भी पीनी है। तो सारे काम ख़त्म करके फिर ऊपर चलते हैं वर्कआउट करके, देन उसके नीचे आके फिर से हम ब्लॉग शुरू करेंगे। तो गाइस मम्मी आ चुकी है चाय लेके। एडिटिंग आधी तो कंप्लीट हो चुकी है दूसरे चैनल की वीडियो की, और जो ब्लॉग है वो मैं आधा एडिट कर लूँगा शाम तक, देन उसके बाद फिर अपलोड करके। गर्म बोलता है, चाय तो मस्त बनी है वैसे। टाइम से तो मैं पहुँच गया था काम पे, और अभी आए थे मार्केट, बट मार्केट हो चुकी है बंद, कोई सामान लेना था, तो अभी चलते हैं सीधा काम पे क्योंकि लेट हो चुके हैं काफ़ी। तो गाइस ताऊ जी के लड़के ने फिर से आज रोक लिया है, बोल रहा कि गोलगप्पे खाने हैं, तो मैं तो नहीं खाने वाला, तो मन नहीं आज मेरा। पेट शॉप मुकेरियाँ। तो गाइस फाइनली काम पे आ गए हैं और मैंने डिनर भी कर लिया है, अभी एडिटिंग करते हैं इस ब्लॉग की और फिर अपलोड करना है, देन उसके बाद कल पब्लिश कर देना है यूट्यूब पे, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं यूट्यूब देख के क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनानी है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय गाइस।